असल स्टूडेंट्स आई वह सब जो है वो खैरियत से होंगे सो so, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि व्हाट इज़ कैश मेमोरी कैश मेमोरी कंप्यूटर के अंदर क्या होती है सो कैश मेमोरी जो है वो प्रोनाउंस इसको कैश किया जाता है इसके अलावा ये जो है वो एक स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है अगर हम लोग कोई डाटा जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा एक डाटा को यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है वो रैम की बजाय कैशे में रखवा दी जाती है ताकि उसको जो है वो ईज़िली और फास्टली एक्सेस कर सकें इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है कि इसको जो है वो डिजाइन किया गया है ताकि हमारा ट्रांसफर ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन को जो है वो सारा प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो सके इसके अलावा ये फास्टर्स होती है रैम की नस्पत्त और the data and the instruction that are mostly recently are mostly frequently used by CPU are stored in the cache memory. So cache memory के अंदर हमेशा वही data रखा जाता है जो कि most frequently हो जिसको जो है वो ज़्यादा use किया जा रहा है वो सारा data जो है वो cache memory के अंदर पढ़ाता है सो so ये थी हमारी एक छोटी सी definition थी cache memory की वो हम लोगों ने करनी है इस चैप्टर में then हम लोगों ने जो है वो पढ़ना है के वट इज़ बस इंटर कनेक्शन कंप्यूटर के अंदर बस इंटरकनेक्शन क्या होता है तो बस इंटरकनेक्शन बेसिकली ये था इसके अंदर कंसेप्ट कि कंप्यूटर के जो डिवाइस होते हैं उनके दरमियान में कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ठीक है उनके दरमियान में इंटरनल कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो है वो बस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइस सच एज सी पी यू मेन मेमरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर की ये जो कंपोनेंट्स होते हैं आप इसको पार्ट्स कह लें आप लोग जो है कंप्यूटर की डिवाइसेस कह लें जितने भी इसके साथ अटैच होते हैं अब हम लोगों ने डिफरेंट डिवाइसेस के दरम्या में कम्युनिकेशन करवानी है लाइक अगर हम सी पी यू से जो है वो डाटा जाना चाह सी पी यू से डाटा जो है मेन मेमरी में भेजना चाह रहे हैं या मेन मेमरी से डाटा सी पी यू में जा रहा है तो इनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम लोग बसेस का इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पर द इंटर द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन जो कंप्यूटर के इंटरनल डिवाइसेस के दरमियान में या जितने भी डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो बस इंटर कनेक्शन की वजह से हो रही होती है अब ये सारा सिस्टम जो है वो बसेस के ऊपर बेस कर रहा होता है बसेस असल में जो है वो आप लोग कह रहे हैं कि आम लाइफ में अगर आप बस का एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में होता है कि वो पैसेंजर्स को लेके जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे सो इसी तरह जो बसेस होती हैं हमारी ये हमारा डाटा को या एड्रेस को या किसी भी चीज़ को जो है वो किसी भी कंट्रोल को किसी भी सिग्नल को एक जो है वो डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक लेके जाएगा क्लियर हो गया यहाँ तक ओके जी बस इज़ द कॉमन पाथ टू ट्रांसफर डाटा एंड कमांड्स बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ठीक है इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज्ड टू सेंड और रिसीव डाटा फ्रॉम स्कैंडी स्टोरेज डिवाइसेस स्कैंडी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक आपकी हार्ड डिस्क होगी यानी कि हार्ड डिस्क से अगर आप जो है मेन मेमोरी में डाटा लेके जा रहे हैं मेन से हार्ड डिस्क में सिख रहे हैं तो वो भी बस इसके थ्रू हो जाएगा डेंस के अलावा जो है वो बसेस की कैपेसिटी होती है हर बस जो है वो डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं डेटा लाइंस होती हैं अब एक डेटा लाइन जो है वो एक बीट लेके जाती है द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ एक टाइम पर बस कितने पैसेंजर्स जैसे हम लोग कहते हैं कि एक जो है वो बस जी है वो ट्वेंटी फाइव को लेके जा सकती है ट्वेंटी फाइव सीट्स होंगी ताकि वो ट्वेंटी फाइव को लेके जा सके सो so, इसी तरह बस के अंदर जो है वो अगर एक टाइम पर बस कितना डाटा लेके जा सकती है मैक्सिमम कितना डाटा लेके जा सकती है वो बस की जो है वो बिर्थ होती है इसके अलावा अ हायर बस बर्थ मीन्स दैट द बस कैन कैरी मोर डाटा जितनी उसकी लाइक uh, बिट्स like जितनी ज्यादा होगी बस उतना ही डाटा कैरी करता है बस विथ थर्टी टू कैन कैरी थर्टी टू बिट्स ठीक है यानी कि फोर बाइट्स एक ही टाइम पर एक बस लेके जा सकती है अगर उसकी थर्टी टू बिट जो है वो विथ है या थर्टी टू लाइन्स है अगर जो सिक्सटी फोर लाइन वो एट बाइट्स को लेके जा सकती है तो अगर एक बस थर्टी टू बिट की है तो मीन दैट सिक्सटी फोर बिट वाली जो है बस फास्ट होगी रेदर देन थर्टी टू तो यहां तक जो है बस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आगे जी बस की टाइप्स हैं पहली टाइप जो होती है इसकी सिस्टम बसेज होती है दूसरी टाइप होती है यहाँ पर एक्सपेंशन बसेज ठीक है तो सिस्टम बसेस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं पहले उनको रीड कर लेते हैं देन हम जो है वो एक्सपेंशन बसेस को रीड कर लेंगे सो so, जो सबसे पहले आती है सिस्टम बस अब सिस्टम बस इज यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एस सीपीयू एंड मेन मेमोरी जो सिस्टम बस होती है वो मेन कंपोनेंट्स को जोड़ती है हमारे कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं लाइक अगर सीपी अगर वर्किंग के हिसाब से ब्रेन के हिसाब से बात करें सीपीयू एंड मेन मेमोरी तो सीपीयू और मेन मेमोरी को जो आपस में कनेक्शन करवाएंगी बसेस वो होंगी वो होंगी हमारे पास सिस्टम बसेस ठीक है और सिस्टम बसेस जो है नॉर्मली कितनी होती है सेवेंटी टू हंड्रेड लाइन्स यानी कि सेवेंटी से लेकर हंड्रेड बिट्स एक टाइम पर ये कैरी कर सकती हैं सिस्टम बसेस की फर्दर थ्री टाइप्स हैं डाटा बस आती एड्रेस बस आती है एंड कंट्रोल बस आती है उसके बाद जो हमारे पास आ जाती हैं एक्सपेंशन बसेज एक्सपेंशन बसेस की क्या होगा ऐसी बसेज जो कि सी को किसके साथ कनेक्ट करवाएगी पैराफिलल डिवाइसेस पैरिफिरल डिवाइसेस जिनको अटैच और डिटैच इजीली आप कर सकते हो लाइक कीबोर्ड प्रिंटर स्कैनर इसके अलावा स्पीकर्स वगैरह ये सारे जो हैं वो हमारे कौन से होंगे पैराफिरल डिवाइसेस होंगे तो ऐसी बसेज जो कि पैराफिलल डिवाइसेस को सीपीयू के साथ जोड़ने में मदद दे रही है या सीपीयू यू का डाटा पैराफेरल डिवाइसेस या पैरफिलल डिवाइसेस का डाटा सीपीयू में दे रही है सो so, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन बसेज है। और ये टोटल जो टिपिकली होती हैं सिक्सटीन टू सिक्सटी फोर बिट्स मतलब एक टाइम पर या तो सिक्सटीन बिट्स या फिर बिट्स लेके जा सकती हैं इसके अलावा ये कहाँ पर होती है एंड आर माउंटेड ऑन द मदर बोर्ड जितनी भी बसेज होती हैं वो मदर बोर्ड के ऊपर माउंटेड होती हैं यानी कि मदर बोर्ड के ऊपर जो है वो इनको फिक्स किया गया होता है इसके अलावा जो है वो एक्सपेंशन बसेज जो हैं वो क्या इनका काम होता है ये फास्टेस्ट ट्रांसफर स्पीड देती हैं हमें ठीक है और जो है वो रिलायबल होती है अगर हम के साथ कनेक्शन करवा रहे हैं तो उनका डाटा रेट जो है वो देता है हमें। सो so ये हमारा यहाँ तक बसेस का थोड़ा सा कवर हो गया इसके बाद जी हम लोगों ने करनी है टाइप्स ऑफ बसेस टोटल जो है वो थ्री टाइप्स जो हमारे सिस्टम बसेस की फर्दर थ्री टाइप्स थी उनको डिफाइन किया गया है यहाँ पर यहां ओके हाँ तो okay, जी तो ये हमारे पास टोटल बस इंटरकनेक्शन सिस्टम होता है बे, बेसिकली बस इंटरकनेक्शन सिस्टम जो कंप्यूटर का है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ठीक है सिस्टम बसेस होती हैं इसके अलावा एक्सपेंशन बसेस होती हैं जो हमारे पास सिस्टम बसेस होती हैं ये वो बसेस हैं जो के हमारे मेन कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्शन करवाती हैं और जो एक्सपेंशन बसेस होती हैं एक्सपेंशन बसेस का बेसिकली काम होता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस को सीपीयू के साथ जो है वो कनेक्ट करवाना ठीक है आगे सिस्टम बसेस की फर्दर जो है वो थ्री टाइप्स आती हैं डाटा बस आती है ठीक है एड्रेस बस आती है हमारे पास और कंट्रोल बस आती है तो ये जो है वो और फर्जर डवीन होती है और ये टोटल बस इंटरकनेक्शन सिस्टम सो so, अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि वॉट इज डेटा बस डाटा बस बेसिकली क्या होता है डाटा बस इज़ यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर असल में डाटा बस नाम से आपको इसको याद करना पड़ेगा कि डाटा बस वो होगी जो डाटा को ट्रांसफर करेगी सी से मेमरी से या मेमरी से सी के दरम्यान में ठीक है यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है फॉर एग्जाम्पल इट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमरी टू सी ये इंस्ट्रक्शन को लेके जाती है सीपीयू से मेमरी की तरफ आगे जो है वो इस बस के बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है कि ये 64 भी हो सकती है इसके अलावा इसकी बिथ जो है वो 64 लाइन डेटा बस भी हो सकती है ये 32 बिट की भी हो सकती है तो ये डिपेंड करता है कि ये जो है वो कितना डाटा कैरी करता है आपका कंप्यूटर का वर्जन कौन सा है ठीक है इसके अलावा और जी इसके अलावा ये जो है वो बाई डेक्शनल बसेज होती है हमारे पास ठीक है बाई डायरेक्शन का मतलब होता है ये डाटा जो है वो सी पी यू से मेमरी की तरफ भी लेके जा सकती है ठीक है और मेमरी से सी पी यू की तरफ भी लेके जा सकती है बेसिकली कनेक्शन हम लोगों ने करवाना है सी पी यू और मेमोरी के दरमियान में ठीक है तो बाई डायरेक्शन का मतलब है कि जो हमारे पास डाटा बस है ना हमारी ठीक है ये डाटा जो है वो सीपीयू से मेमोरी की तरफ भी लेके जा सकती है और मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी लेके जा सकती है मतलब अगर आप एक आपका डाटा परमानेंटली पड़ा हुआ है सीपीयू में आप उसको जो है वो देखना चाहते हैं न, मतलब आप उसको जो है वो मेमोरी में लोड करवाना चाहते हैं तो ये मेमोरी में लोड करेगी डाटा को और इसके अलावा अगर कोई मेमोरी में चीज पड़ी हुई है उसको आप हार्ड डिस्क में सेव करवाना चाहते हैं तो आप उसको आप एड्रेस डाटा बस के थ्रू उसको वहाँ पर भेज भी सकते हैं ठीक है सी पी यू कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यानी कि सी पी यू मेमरी से डाटा रीड भी कर सकता है और अगर मेमोरी ने कोई लोकेशन सी पी यू पर लिखवानी हो कोई डाटा सी पी यू के अंदर रखवाना हो तो सी पी यू के अंदर तो डाटा राइट भी किया जा सकता है यानी कि उसको सेव भी किया जा सकता है ठीक है तो ये बाई डिडेक्शन कर का यहाँ पर इसका मतलब है ओके okay जी इसके बाद आती है हमारे पास एड्रेस बस मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है अगर आपको याद हो तो मेन मेमोरी पढ़ते वक्त हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मेन मेमोरी के अंदर जो है वो हमेशा एड्रेसेस बना दिए जाते हैं लाइक अ कैबिन लाइक अ मतलब शेल्फ़ कह लें कि एड्रेसेस होते हैं ठीक है उन एड्रेसेस के ऊपर हम लोग कॉन्टेंट रखवाते हैं अगर हमें कोई कॉन्टेंट चाहिए होगा हम लोग जस्ट एड्रेस मैंशन करते हैं हमारा जो भी हम एड्रेस मैंशन करेंगे वहाँ पर जो भी डाटा पड़ा होगा वो हमें मेमरी में से निकाल के दे दिया जाता है सो एड्रेस बस क्या करती है अगर मुझे एक मेमोरी की लोकेशन में से डाटा चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूँगी एड्रेस बस के थ्रू वो एड्रेस जो है वो भेजूँगी ठीक है और उस एड्रेस को रीड करके जो भी उसके ऊपर डाटा पड़ा होगा उसको डाटा बस के थ्रू सीपीयू की तरफ भेज दिया जाएगा तो बेसिकली ये दोनों मिलकर जो है वो काम करेंगे ठीक है मेनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर थ्रू बसेज ईच कंपोनेंट इज असाइंड यूनिक आई डी दिस आई डी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कॉम्पोनेंट अगर हम लोग कंपनीेंट्स की बात करें तो हर कंपोनेंट का भी एड्रेस होता है ठीक है तो so वो जो उस कंपोनेंट का एड्रेस होगा या उसकी जो आई डी होगी वो एड्रेस होगी इफ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अदर कम्पोनेंट इट यूजिस अड्रेस बस इज टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द कंपोनेंट सो अड्रेस हमेशा स्पेसिफाई किए जाते हैं एड्रेस एड्रेस बस के के थ्रू उस ऊपर जो भी डाटा आएगा या जाएगा वो डाटा बस के थ्रू होगा आगे जो है वो हमारे पास आ जाता है कि एड्रेस बस हमेशा होती है ये मेन डिफरेंस है डाटा बस और इसका ये यूनि डायरेक्शन क्यों होती है अब यूनि डायरेक्शनल ये इसलिए होती है इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली वन डायरेक्शन इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द मेन मेमोरी ठीक है जी यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि मेन मेमोरी के अंदर जो है वो बने होते हैं और डाटा पड़ा होता है तो सीपीयू के होता है सीपीओ तो तो है। है? प्रोसेसर आप सीपीयू लें अब सीपीयू ने एड्रेस देना है ठीक है एड्रेस बस के थ्रू उसको डाटा सिर्फ मिल जाना है, डाटा बस के थ्रू तो वो एड्रेस देगा अगर मुझे सीपीयू से मेन मेमोरी से कुछ रीड करना है तो मैं क्या करूंगी मैं एड्रेस बस के थ्रू जो है वो रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे मेमोरी की किसी लोकेशन पर से डाटा रीड करना है मेमोरी क्या करेगी इस लोकेशन पर जो भी डाटा पड़ा होगा वो डाटा बस के थ्रू सीपीयू को भेज देगा ठीक है तो एड्रेस बस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर यानी कि हमारा जो भी माइक्रो प्रोसेसर होगा सीपीयू होगा उसकी तरफ से हमेशा जाती है ठीक है और मेमोरी से मेमोरी की तरफ पॉइंट किया जाता है एड्रेस मेमोरी को दिया जाता है मेमोरी उसमें से एड्रेस पे जो भी पड़ा होगा वो आपको दे देगा ठीक है और इसके अलावा क्या है इसमें इसकी भी वही है कि ये थर्टी टू भी हो सकती है इसके अलावा फोर भी होती है कंप्यूटर विद थर्टी टू बिट कैन डायरेक्टली ओके okay जी अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि कंप्यूटर विदर्टी टू बिट एड्रेस बस कैन डायरेक्टली एड्रेस इज़ फोर जी बी ऑफ द फिजिकल मेमरी

मेमोरी खुद को प्रिपेयर करे क्योंकि सीपीयू उससे कुछ डाटा रीड करना चाह रहा है तो जो वो जो रीड का सिग्नल होगा वो सीपीयू भेजेगा मेमोरी की तरफ अगर तो वो मेमोरी से डाटा ले रहा है बस ठीक है अब अगर कोई चीज मेमोरी में रखवाना लगे हैं हम लोग रखवाने लगे हैं ठीक है आगे जो है वो लिखा हुआ है देन सीपीयू विल यूज इट विल यूज कंट्रोल बस टू सेंड द मेमरी रीड कमांड टू द मेन मेमरी अगर तो कोई चीज रीड करनी हो किसी पी ओ को मेन मेमरी से तो वो क्या करेगा कंट्रोल बस के थ्रू एक सिग्नल जो है वो मेन मेमरी को देगा और वो होगा मेमरी रीड सिग्नल ठीक है द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल लाइक ए आस ठीक है इसको बोलते हैं एक्नोलेजमेंट रिस्पॉन्डिंग सिग्नल या एक्नोलिजमेंट सिग्नल जब भी आप लाइक अगर एक सिग्नल रिसीव हो गया ठीक है मेमरी की तरफ से तो वो सी को बैक कर देगा कि जी आपका मैसेज सेंड हो चुका है आपका सिग्नल रिसीव हो चुका है जहाँ पर रिसीव होना था इसके अलावा कंट्रोल सिग्नल जो है वो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन को और कमांड सिग्नल को स्पेसिफाई करता है टाइमिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि किस टाइम पर जो है वो डिवाइस कैन यूज़ डाटा एंड एड्रेस बस इसके अलावा जो है वो ये टाइम स्पेसिफाई करता है लाइक कंट्रोल बस है ना तो इसका काम कंट्रोलिंग के ऊपर आएगा इट स्पेसीफाइज द टाइम फॉर विच आ डिवाइस कैन यूज़ ये हमेशा वो टाइम स्पेसिफाई करेगा कि कंप्यूटर ने जो है वो लाइक like एक डिवाइस है वो किस टाइम पर एड्रेस बस या डाटा बस का इस्तेमाल कर सकता है अगर तो एड्रेस बस डाटा बस आइडल है लाइक फ्री है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर फ्री नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इसके अलावा कमांड सिग्नल इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म साथ ही साथ जो है वो हम लोग कंट्रोल बसेज के थ्रू ये भी बता सकते हैं कि जी हमें किस तरह का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने लगे हैं कौन सा टास्क हम लोग अभी करने लगे हैं जैसे भी मैंने बात की थी रीड सिग्नल की तो हम सिग्नल रीड करने लगे हैं या राइट करने लगे हैं सो so, वो भी इसके अंदर जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगा ओके okay, जी आगे एक स्नैरियो टोटल उन्होंने बना के आपको दिखा दिया ठीक है सपोज दैट सी पी अ कमांड टू द मेन मेमरी टू राइट डाटा अब फर्ज करें सी पी जो है वो मेन मेमरी को एक कमांड दी है उसने ठीक है कि वो डाटा राइट करने लगा है तो कमांड जो है वो कंट्रोल बस के थ्रू उसने भेज दी अब कंट्रोल बस ने जैसे ही वो डाटा चला गया और मेमोरी मेन मेमोरी ने उसको रिसीव कर लिया सिग्नल को तो साथ ही साथ कंट्रोल बस जो है वो सीपीयू को एक्नोलिजमेंट सिग्नल भी सेंड कर देगा जी आपका डाटा आपका सिग्नल रिसीव हो चुका है उसके बाद सीपीयू रिसीव्स द सिग्नल एंड देन मूव्स द जैसे सीपीयू को पता चल जाएगा कि उसको उसने जो एक्नोल उसने जो है वो एक राइट right का सिग्नल मेमोरी को भेजा था और मेमोरी ने उसको रिसीव भी कर लिया ख़ुद को प्रिपेयर भी कर लिया तो सीपीयू देन क्या करेगा डाटा बस को और एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस रखवाएगा डाटा बस के अंदर डाटा रखवाएगा लाइक अगर हम लोग जीरो जीरो वन लोकेशन के ऊपर अपना डाटा ए सेव करवाना चाहते हैं तो एड्रेस बस के थ्रू जो है वो क्या चला जाएगा हमारा एड्रेस ठीक है और डाटा बस के थ्रू हमारा जो है वो वो डाटा जो मैं सेव करवाना चाह रही हूँ मेमरी के अंदर वो चला जाएगा और जी वो डाटा हमारे पास किसके अंदर सेव हो जाएगा सी से मेन मेमरी के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर तीनों बसेस के इकट्ठा काम करने से हमारा बस इंटरकनेक्शन कंप्लीट तो यहाँ तक हमारा बस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा था नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो और किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सो तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें अला हाफिज